फ्रेंड्स, बॉलीवुड बस के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। संजय दत्त को प्यार से संजू कहकर बुलाती थी मां नरगिस। पिता सुनील दत्त के जन्मदिन पर फिल्म का एक और पोस्टर हुआ रिलीज। संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू इसी महीने रिलीज होने वाली है। फिल्म के प्रमोशंस भी जोरों शोरों पर है। फिल्म के बहुत सारे किरदारों के पोस्टर्स भी सामने आ चुके हैं और आज 6 जून को फिल्म का एक और पोस्टर सामने आया है। पोस्टर है संजय दत्त की मां नरगिस का। और आज के दिन ही संजय दत्त के पिता यानी सुनील दत्त का है जन्मदिन। संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू 29 जून को रिलीज हो रही है। संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू भी इस फिल्म में दर्शाए जाएंगे। इस फिल्म में रणबीर कपूर संजय दत्त का किरदार निभा रहे हैं, जबकि सुनील दत्त का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं एक्टर परेश रावल। मां नरगिस के लुक में मनीषा कोइराला का पोस्टर सामने आया है। पोस्टर को देखकर गोल्डन एरा की यादें भी ताजा हो जाती है। नरगिस हिंदी सिनेमा की फर्स्ट लेडी हुआ करती थी और पोस्टर पे रणबीर का डिस्टर्ब लुक भी दिखाई दे रहा है। मां नरगिस संजय को प्यार से संजू बुलाती थी और इसी के चलते इस फिल्म का टाइटल भी संजू रखा गया। जहां संजय दत्त की मां एक मशहूर अभिनेत्री थी, वहीं पिता भी फिल्म इंडस्ट्री में एक सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे। सुनील दत्त को साल 1968 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। मदर इंडिया, वक्त, यादें, गुमराह, खानदान उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में थी। सुनील दत्त को आखिरी बार संजय दत्त के साथ फिल्म मुन्ना भाई MBBS में भी देखा गया था। संजय दत्त को 1993 के मुंबई विस्फोटों में अवैध हथियारों के कब्जे में दोषी भी पाया गया था, पर इसके बावजूद संजय दत्त के पिता सुनील दत्त हमेशा उनके साथ खड़े रहे। 5 साल की सजा के बाद साल 2016 में संजय दत्त को रिहा कर दिया गया, पर अपने बेटे संजय दत्त को कभी भी खुली हवा में सांस लेते हुए नहीं देख पाए थे सुनील दत्त। ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।